क्या आप लोगों को पता है AI इंजीनियर की जो एवरेज सैलरी है वो 20 से 25 लाख रुपए है। एंड अगर आप लोगों को भी इस करियर पाथ को चूज करना है तो इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इंडिया में AI इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है एंड नेक्स्ट 3 साल में 20 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है AI के अंदर। हर रोज कोई नई चीज हो रही होती है AI स्पेस के अंदर। अब रिसेंटली ChatGPT ने अपना एक नया वर्जन भी निकाला है, कभी आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, कभी आपको गैलेक्सी AI देखने को मिलता है। जैसे जैसे AI हर जगह घुस रहा है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए उसको कैसे यूज कर सकते हो एंड हाउ यू कैन बिकम एन AI इंजीनियर। एंड एक चीज और, आप लोगों को किसी फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है टू बिकम एन AI इंजीनियर। आप लोग बेसिक अपने एक लैपटॉप और जुनून के साथ ये बन सकते हो। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कोहोर्ट 5 आप लोगों का लॉन्च हो चुका है DSA प्रेप का। अगर आप लोगों को लाइव DSA पढ़ना है सुभेश से, सुभेश सर अभी गूगल में काम कर रहे हैं, उन्होंने अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, बहुत मस्त मस्त कंपनीज में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं स्टूडेंट, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट में, एल्यूमिनाइज है, हमने कुछ लोगों के साथ पॉडकास्ट भी किया हुआ है। 4 कोहोर्ट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड रिव्यूज आप वेबसाइट पे देख सकते हो या स्क्रीन पे देख सकते हो। एवरीवन इज सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड विद द कोर्स, तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल। ठीक है, जल्दी से जाओ, नीचे लिंक मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप लोगों को सेल्फ लर्निंग पसंद है या फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो वी हैव लॉन्च्ड एल्गोप्रेप एक्स, जहां पे आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस एक ही जगह पे मिल जाता है। DSA प्रेप, डेव प्रेप, इसके अलावा AI प्रेप, CS प्रेप, तुम्हारे जितने भी तुम सोच सकते हो चीज़ें, उसके साथ साथ कोई भी नया अगर कोर्स हम लॉन्च करेंगे, कोई नया फील्ड हम जैसे CP अगर हम आगे फ्यूचर में करते हैं वो भी उस वाले प्लेटफॉर्म पे ऐड हो जाएगा। आप प्रैक्टिस भी सेम प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। सो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को अब तक नहीं किया है तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, व्हाट इज AI। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमंस की तरह सोचने की एबिलिटी देती है। अब आज के टाइम पे AI ना हर जगह पे यूज होना स्टार्ट हो गया है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो पर्सनल डिवाइसेस हो, चाहे वो फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह AI की इंपॉर्टेंस एंड AI का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। AI के बिना तो जो आप YouTube रिकमेंडेशंस देख रहे होते हो या फिर आपके जो गूगल मैप्स राउटिंग होती है कौन सा पाथ बेटर है वो सब बताने के लिए भी AI रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर AI ना हो तो ये सब भी बताना थोड़ा टफ हो जाएगा। अब AI इंजीनियर्स का काम क्या होता है? AI इंजीनियर्स का काम ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स बनाना ही होता है जिससे ह्यूमन की हेल्प हो पाए एंड जो काम मुश्किल होते हैं वो थोड़े थोड़े आसान हो जाएं। एंड जो जो कंपनीज AI को अपनी कोर स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर रही हैं वो काफी आगे बढ़ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का आप एग्जांपल देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के अंदर इन्वेस्ट किया था एंड दे हैव इंटीग्रेटेड AI इन ऑल देयर प्रोडक्ट्स एंड जो स्टॉक है वो स्काई रॉकेट हो रहा है। AI इंजीनियर बनना बस एक टेक्निकल स्किल नहीं है, बट रिक्वायरमेंट बन गई है। धीरे धीरे आप लोगों को AI रिलेटेड चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो layoffs एंड बहुत सारी चीजें और होती रहती हैं, राइट? तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप एक पूरा मैंने रोड मैप भी बनाया हुआ है, कहां से आप चीजें पढ़ सकते हो, बेसिक से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। अब जैसे AI रिलेटेड जो भी जॉब्स है ना मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, स्टार्टअप से लेके बिग टेक तक, आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, हर जगह AI इंजीनियर्स की जो डिमांड है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को 15 से 20 लाख मिल सकती है एंड जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन हो जाए तो यू कैन इवन अर्न 30-40 लाख रुपीस पर एनम। सेकंड जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि मैथ्स का रोल इसमें कितना होता है, अगर मेरे को AI इंजीनियर बनना है तो मैथ्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब AI की फाउंडेशन के लिए मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में डाल लो। जो आप ऑनलाइन लोगों को देखते हो कि दो AI टूल्स सीख के वो अपने आप को AI इंजीनियर बोलते हैं वो एक्चुअली सच नहीं है। AI की फाउंडेशन इज मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल किसी भी अगर इमेज को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। कैलकुलस AI ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को एडजस्ट करने के लिए ना तुम्हारा डेरिवेटिव्स यूज होते हैं जिससे तुम्हारे मॉडल की एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है एंड प्रोबेबिलिटी के बिना तो AI इनकम्प्लीट है। आपके जो स्पैम फोल्डर में जंक मेल क्लासिफाई हो रही होती है ना, जो स्पैम है या नॉट स्पैम है उसको क्लासिफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स पे, जब भी या फिर किसी भी रिकमेंडेशन सिस्टम में आपको कोई वीडियो रिकमेंड हो रही होती है ना वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होती है कि आप उस पर क्लिक करोगे या फिर आप उसको देखोगे। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी उतनी टाइम तक आप उस वाले प्लेटफॉर्म पे चीजों को सर्व कर रहे होगे या फिर चीजों को देख रहे होगे, इतना ही उस प्लेटफॉर्म का फायदा है। सो इस सबसे बस यही चीज समझ आती है कि मैथ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स आपका वीक है तो पहले उस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी आप AI इंजीनियर वाले पाथ पे जा सकते हैं। थर्ड चीज आ जाती है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू बिकम एन AI इंजीनियर। अब ML और DL तुम्हारे AI के पिलर्स हैं। ML में मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है एंड मॉडल्स को डेटा पे ट्रेन किया जाता है। डेटा पे ट्रेन करने के बाद वो बताता है कौन सी चीज एक्स है या कौन सी चीज वाई है। बेसिक अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे जब भी आप मशीन लर्निंग सीख भी रहे होते हो स्टार्टिंग में तो आपको एक एप्पल को क्लासिफाई करने वाला, डॉग्स या कैट्स को क्लासिफाई करने वाला मॉडल सिखाया जाता है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। वो सब ट्रेंड होते हैं बहुत सारे डॉग्स एंड कैट्स के इमेजेस पे। एंड डीप लर्निंग तो और भी बहुत ज्यादा जगह पे यूज होती है। फॉर एग्जांपल जो आपका फेस रिकॉग्निशन है वहां पे डीप लर्निंग का यूज होता है, जो वॉइस रिकॉग्निशन है वहां पे भी डीप लर्निंग का यूज होता है। जैसे अगर आप लोग आईफोन
यूज करते हैं, आपके आसपास कोई भी आईफोन यूज करता है, उसमें फेस रिकग्निशन जो आता है, या फिर अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड फोन कोई भी यूज कर रहे हैं, उसमें फेस रिकग्निशन जो है वो डीप लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन है। अब इन दोनों में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको एक्चुअली यूज करना पड़ेगा, एंड इसमें इन डेप्थ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं है बस आप ऊपर ऊपर से मॉडल ट्रेन करना सीख गए तो आप लोग अपने आप को मशीन लर्निंग इंजीनियर बोल पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब आप लोगों को अगर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या कुछ भी सीखना है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है पाइथन। अब पाइथन एआई के लिए बहुत पावरफुल और मतलब वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस है। इसमें आप लोगों को बहुत मस्त मस्त लाइब्रेरीज मिल जाते हैं, जैसे एक टेंसर फ्लो हो गया, साइकिट लर्न हो गया और कीरास हो गया। तो पाइथन की इन लाइब्रेरीज को यूज करके आप एक्चुअली कोड कर सकते हो एंड एक्चुअली अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई किसी चीज के लिए भी अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो ना, तो आपको पांडास एंड नंपाई आना ही चाहिए। ये बेसिकली आपकी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हो टू लाइक स्ट्रक्चर डेटा, टू क्वेरी डेटा एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। कुछ भी करना है पहले आप लोगों को पाइथन सीखनी पड़ेगी, काफी इजी लैंग्वेज होती है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके साथ साथ बस आप लोगों को लाइब्रेरीज के नाम नहीं पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे हुई हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन से रिसोर्सेज है जो आप लोग यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू बिकम एन एआई इंजीनियर। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढ ढांड के, बहुत लोगों से बात करके आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट बनाई है, तो जल्दी से आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एआई इंजीनियर्स के सारे रिसोर्सेज, मैंने इस वाले लिंक पे डाल दिए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले देख लो। तो ये कुछ आपकी बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, अगर आपको बुक्स से पढ़ना पसंद है तो आप इन बुक्स में से कोई भी बुक को उठा सकते हो और इनसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग की बुक है, फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक है, फिर डीप लर्निंग अगर आप लोगों को करना है तो यहां से कर सकते हो, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग की एक बुक ये है, पाइथन एंड पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, एंड फाइनली डीप लर्निंग विद पाइथन। तो बेसिकली स्टार्टिंग में पाइथन सीखो, उसके बाद आप मशीन लर्निंग सीखो, उसके बाद आप डीप लर्निंग सीख सकते हो, एंड इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद आपके पैटर्न रिकॉग्निशन आ जाता है और भी बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, बट आपको जो स्टार्ट होता है वो हमेशा पाइथन से, बेसिक से, एंड उसके बाद मशीन लर्निंग से हो रहा होता है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कुछ कोर्सेज चाहिए, फ्री कोर्सेज वगैरह देख रहे हो, तो ये मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, यहां से आप कोर्सेज वगैरह चेकआउट कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर मैंने भी अपने कॉलेज के टाइम पे किया था, वो एंड्रू एनजी वाला मशीन लर्निंग का कोर्स किया था, तो बेसिक थोड़ा बहुत मैंने कॉलेज के टाइम सीखा हुआ था। इसके अलावा डीप लर्निंग का भी सिमिलर कोर्स है, वो भी एंड्रू एनजी का है, एंड्रू एनजी को बेसिकली गॉड ऑफ मशीन लर्निंग मानते हैं, एंड इन कोर्सेज आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग आप का एक बूट कैंप है, बूट कैंप भी छोटा सा कर सकते हो, यूडीमी का लिंक भी मैंने डाल दिया है। ईडीएक्स का इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय आईबीएम, आईबीएम का सर्टिफिकेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। फाइनली इंट्रो टू मशीन लर्निंग विद पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो, यूडासिटी का एक कोर्स है। ये सारे मैंने कोर्सेज बुक्स ऐड कर दिए, एंड फाइनली यूट्यूब चैनल्स भी हैं कुछ जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो रिलेटेड टू एआई। तो अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके जा सकते हो, दीज आर द फाइव चैनल्स दैट यू कैन फॉलो। नेक्स्ट आता है कि ये सब तो मैंने सीख लिया, मैंने कोर्सेज वगैरह कर लिए, मैंने बुक्स भी पढ़ ली, अब फाइनली मैं क्या करूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। अब ये सब करने के बाद, सीखने के बाद, आप लोगों को एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और इंटर्नशिप्स वगैरह करनी है। किसी भी फील्ड में अगर कोई भी चीज आप सीख रहे हो ना, तो थियोरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए सबसे अच्छे दो चीजें होती हैं, या तो आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो वाह मजा ही आ गया, अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो आपको प्रोजेक्ट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। सो जनरली आपको बिग टेक में एआई में इंटर्नशिप मिलना बहुत ज्यादा टफ है, वो जनरली इंटर्न से वो काम नहीं करवाते हैं, बट अगर कोई स्टार्टअप है जो भी स्टार्ट कर रहा है इस सब पे काम करना, अगर आपने थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग कर रही है, तो उसमें आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो तो बस एक टाइप के मत बनाना, डाइवर्स टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करना। एक जैसे आपका इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अलावा एनएलपी के टास्क होते हैं, या फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। ये कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके एआई के। आप अपने प्रोजेक्ट्स को इसके बाद गिटहब पे डालो, आप लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने इस तरीके से बनाया है। इसके अराउंड आप कंटेंट भी बना सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस, ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना सकते हो। उससे लोग सीखेंगे एंड पीपल विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड। इट विल हेल्प यू टू रीच आउट टू योर फ्यूचर एम्प्लॉयर कि आपने एक्चुअली काम किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आ जाती है, केगल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप DSA कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आप कोड फोर्सेस पे जरूर जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हो, लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो। सो इफ यू आर लर्निंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, या फिर कुछ भी इस वाली AI वाली फील्ड में आप सीख रहे हो, तो केगल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। केगल में कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ पे आपको AI के चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं, एक चैलेंजेस का सॉल्यूशन डालना होता है। उससे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है एंड कम्पीट भी कर रहे होते हो। काफी कंपनीज अपने टेस्ट वगैरह एंड काफी हायरिंग इस वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर रही होती है। सो अगर इसमें आपकी अच्छी रैंक होती है, अच्छे आपने कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रखा होता है, जीते हुए होते हो, तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ केगल पे आपको कोड नोटबुक्स भी मिलती हैं, जिससे आप एडवांस टेक्निक्स भी सीख सकते हैं उनको पढ़ के। एंड एक कम्युनिटी ड्रिवन लर्निंग का एक काफी बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे जाके आप और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ सकते हो, एंड प्रैक्टिस करके सीखने के बाद फिर एक्चुअली आप लोगों को जॉब्स वगैरह मिलने में भी काफी आसानी हो जाएगी। लास्ट बट
नॉट द लीस्ट कॉन्टिन्यूसली आपको सीखते रहना है, ठीक है। आप लोगों को बार बार नई नई चीज़ें सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, इंटर्नशिप्स ढूंढते रहो, एंड ये पूरी कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि बस मैंने मशीन लर्निंग कर लिया मेरे को AI आ गया है, फिर मैंने डीप लर्निंग कर लिया, दो कोर्स कर लिया मेरे को AI आ गया है। ये कहना सही नहीं होगा। आप लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाते रहना पड़ेगा, आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली एक AI इंजीनियर कह सकते हो अपने आप को। अब शोकेस करने के लिए LinkedIn को यूज़ कर सकते हो, GitHub को यूज़ कर सकते हो, Twitter को यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कोई चीज़ बनाओ उसको शेयर करो। नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AI रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एंड AI फील्ड ना कभी रुकती नहीं है। आप देखोगे कि हर 2-3 महीने में कोई नया मॉडल आ जाता है, फिर कोई नई चीज़ हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ChatGPT 4o आया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई थी 3.5 या 3.5 टर्बो से। अब रिसेंटली स्ट्रॉबेरी आ गया तो और ज्यादा चीजें इंप्रूव हो गई। अब तो कोड फोर्सिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करने लग गए 89% एक्यूरेसी के साथ। तो ये सारी चीजें ना होती रहती हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 10 साल पुराना एक कोर्स कर लिया है तो आई नो AI। यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बस बाकी कुछ नहीं है, चीजें सीखो, उनको इंप्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने के बाद किसी जगह अगर आप लोगों को इंटर्नशिप मिल रही है तो वहाँ जाओ। उसके बाद आप लोगों को इसी पूरे साइकिल को रिपीट करते रहना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है, केगल पे कॉम्पिटिशन्स करते रहने हैं। सिमिलर टू DSA या कोई भी नई चीज़ जब आप सीखते हो तो यही सारी चीज़ें करनी होती हैं। लर्न, प्रैक्टिस, रिपीट, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। सारे रिसोर्सेज एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली चेक इट आउट। ऑल्सो एल्गोप्रेप एक्स आप चेकआउट कर सकते हो, हमने वहाँ पे एक AI प्रेप का कोर्स बना रखा है। आप AI को लेवरेज कैसे कर सकते हो वहाँ पे सिखाया नहीं गया है, इसमें लेवरेज कैसे कर सकते हो वो बताया गया है। आप लोगों को अराउंड 3,000 rupees में DSA डेवलपमेंट LLD इसके साथ साथ AI प्रेप एंड कोर सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, एंड साथ साथ आप प्रैक्टिस भी उसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को लाइव DSA पढ़ना है किसी इंस्ट्रक्टर से, आपको अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व करवाने हैं, तो डू चेकआउट कोहॉर्ट 5 DSA प्रेप, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसकी क्लासेस 28 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।